जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा गुरुजी। मैं नागपुर से लोक कला सेवा मंडल की तरफ से आया हूँ। हम लोग भजन मंडल और जो कीर्तनकार होते हैं उनको जमा करके, उनको सम्मानित करके, उनको मतलब जो लोग गरीब है या फिर छोटे से आते हैं लेकिन जिनमें टैलेंट है उनको हम सपोर्ट करते हैं, सामने लाते हैं। तो मैं उनकी तरफ से आया हूँ और हम सभी की तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा सवाल आपसे ये है गुरुजी, आजकल हर कोई एम्बिशंस की बातें करता है, गोल्स की बातें करता है। आपके भी कुछ गोल्स होंगे, कुछ एम्बिशंस होंगे। अभी मैं अपने गौरी गोपाल रसोई से खाना खा के यहीं पर आ रहा हूँ। मेरे को वहाँ पर एक ऐसा तृप्ति का अनुभव हुआ कि मतलब मुझे ही इतना सुंदर लगा वहाँ कि यार इतने सब लोग खाना खा रहे और निःशुल्क खा रहे, इतना देख के अच्छा लगा और मेरे को तृप्ति का अनुभव हुआ। मैं सोचा कि महाराज जी जो ये करा रहे हैं उनको कितना तृप्ति का अनुभव होता होगा। जो इतना सब आप कर रहे हो उसमें आपका अनुभव क्या है महाराज जी? आपके गोल्स, आपके एम्बिशंस एक तरीके से आपने अचीव कर लिए हैं। आप उस पोजिशन पर हो कि आपके पास सब कुछ है कृपा से बोल सकते हैं, या फिर मैं पता नहीं, लेकिन उस चीज़ का अनुभव क्या है आपका कि इतनी तृप्ति, इतना शांति मिलती होगी आपको? आपके कुछ अनुभव बताइए हमें। हमारा तो बस ये अनुभव है कि यहाँ जो भी कार्य आप देख रहे हैं, हाँ, चाहे वो वृद्ध माओं की सेवा हो, अखंड अन्न क्षेत्र हो, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चों की पढ़ाई की सेवा हो, ये सारी सेवा करने वाले स्वयं भगवान हैं, गौरी गोपाल भगवान बिहारी जी, और हम उनके नौकर बनकर, उनके दास बनकर ये सारी सेवा करते हैं। जैसे आपको शांति मिली ना, ऐसे मुझे भी अपने जीवन में बड़ा संतोष है। ये बात मैं कथा से भी बोलता हूँ कि मेरे अंदर अब कोई इच्छाएं नहीं है। अब तो जो है मेरे मन में केवल ये भाव है कि ये जो अखंड सेवा चल रही है ये सदा चलती रहे, ये भाव है। और कोई कामना अब नहीं बची कि अब ये और हो, जो है बस बिहारी जी की इच्छा से है और वो चलाते रहेंगे, मुझे विश्वास भी है। अब मैं कोई कामना नहीं लिए बैठा, अब तो भगवान के चरणों में मन लगा रहे और आप सबकी सेवा कथा सुनाकर अन्य प्रसाद पवा कर करता रहूं। जब तक रहे शरीर तब तक सेवा में रहूं, और भगवान के पास जब मैं जाऊंगा मुझे इस बात का संतोष है। मैं कई बार सोचता हूं कि देखो मरना तो पड़ेगा, मैं भी मरूंगा, लेकिन मरने के बाद हमें ना भगवान की अदालत में खड़ा होना पड़ता है। भगवान पूछेंगे ना हिसाब कि तुम्हें हमने 25 साल के लिए, 50 साल के लिए, 100 साल के लिए संसार में भेजा था, तो चलो वहाँ का हिसाब लाओ भाई, आप लोग भी तो आए हो संसार में और फिर यहाँ से जाओगे, तो भगवान की अदालत में खड़ा होना पड़ेगा। तो भगवान की अदालत में जब खड़े होएंगे और भगवान मेरे से सवाल करेंगे कि अनिरुद्धाचार्य चलो हिसाब दो, तुम्हें हमने भेजा था 25-50 साल के लिए या जो भी उम्र देंगे भगवान, हमने तुम्हें भेजा क्या किया, तो मैं भगवान को जवाब दे सकता हूँ कि हे प्रभु, आपने जो शरीर दिया, आपने जो सामर्थ्य दी, आपने जो सांसें दी, आपने जो शरीर दिया, इस शरीर से, इस सांसों से, इस समय से ये दास ने समाज की जितनी बन पड़ी केवल सेवा की है, केवल समाज की सेवा जितनी अधिक से अधिक हो पड़ी ये दास ने करी। मैं भगवान को जवाब दे पाऊँगा इस बात का भी मुझे संतोष है कि मैं ईश्वर की जब गवाही होगी कभी, तो मैं गवाही में अपना ये पक्ष रख पाऊँगा कि आपने जो दिया है उसका मैंने आज तक एक रुपए का दुरुपयोग नहीं किया। आज तक मेरा कोई खर्चा नहीं है बहुत बड़ा, जो जरूरी है वो तो है ही है, दाल रोटी का ही खर्चा है मेरा, बाकी कोई खर्चा नहीं। मैं कपड़े भी पहनता हूँ ना, तो आप लोग देते हो ही पहनता हूँ, मैं कपड़े भी खरीदना कम पसंद करता हूँ, जो आप लोग दे जाते हो वही कपड़े पहन लेते हैं, जो आप देते हो वही चीज़ें हैं। तो आप कुल मिलाकर ये समझिए कि मैं यहाँ के लिए तो जो है मैं अपनी वहाँ की भी तैयारी कर रहा हूँ जवाब देने की, तो वो जवाब देने की तैयार संतोष है कि हाँ हम जवाब दे पाएंगे। और हम कथा में ये बात आप लोगों से पूछते हैं कि हम तो जवाब दे पाएंगे, आपसे भी सवाल होगा तो आप भी जवाब दे पाइएगा,
इसलिए आप भी समाज की सेवा कीजिएगा, आप भी अच्छे ही कार्य कीजिए, क्योंकि जवाब तो सबको ही देना है। हमारे लिए कोई संदेश, हमारे लिए मतलब हम यूथ के लिए कोई संदेश, आपकी आज्ञा? बस आप जैसे बच्चों को यही निवेदन है कि खूब पैसा कमाओ। अच्छा। और पैसा कमाकर खूब समाज की सेवा करो। पैसा ज्यादा कमाना चाहिए, आज के यूथ को बहुत पैसा कमाना चाहिए, परंतु उस यूथ को ये जान लेना चाहिए कि पैसा कमाए, अच्छा पैसा कमाना बुरा नहीं है, कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ा नहीं बड़ी बात नहीं है। आजकल तो लोग शारीरिक शोषण करा के और करके भी पैसा कमा रहे हैं, जैसे सामान्य भाषा में वैश्यावृत्ति कहा जाता है, पैसा तो वैश्या भी कमा लेती है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसे का उपयोग करना। आप पैसे का उपयोग क्या करते हैं? कुछ लोग आपकी एज के बच्चे पैसा कमाएंगे, बड़ी गाड़ी खरीद के ले आएंगे, बड़ा मोबाइल ले आएंगे, और पैसा कमाएंगे महंगी महंगी शराब पीने लग जाएंगे, और पैसा कमाएंगे महंगे महंगे क्लबों में जाना शुरू कर देंगे, वारों में जाना शुरू कर देंगे, चरित्रहीनता के लिए लड़कियों को नचाना शुरू कर देंगे। तो ये पैसे का केवल मिसयूज है, दुरुपयोग है। मैं हाथ जोड़ के भारत के प्रत्येक जवान भाइयों से कहना चाहूँगा, खूब पैसा कमाओ, पर उस पैसे का एक एक रुपया अपने परिवार में और अपने उत्थान में और समाज की सेवा में लगाओ। पहले अपने लिए जोड़ लो, अपनी इच्छाएं पूरी कर लो, अपनी ज़रूरतें, इच्छाएं तो पूरी ना होंगी, ज़रूरतें पूरी कर लो, अपने माँ बाप के लिए जो उनकी इच्छा है उनको पूरा कर दो, फिर पैसा बचे तो समाज की सेवा में दोनों हाथों से वो धन लुटाओ, समाज के लिए, दीन दुखियों के लिए भोजन कराओ, किसी को जरूरत है दवाई की दवाई दो, वस्त्र की जरूरत है वस्त्र दो, चप्पल की जरूरत है चप्पल, जूते, बच्चों को जो जरूरत है दो, क्योंकि ये शरीर देखो मेरा ये शरीर एक दिन जल जाएगा, एक दिन वो भी आएगा कि मैं जल रहा होऊंगा शमशान में, मुझे वो भी दिखता है। इसलिए मैं हर पैसे का, एक एक रुपए का और हर क्षण का, एक एक पल का सदुपयोग करता हूँ। मेरी उम्र भी लगभग आपकी बराबर है, ठीक है, तो हमारी उम्र के बच्चे पैसा पाके गाड़ी मोबाइल और शुरा और सुंदरी, लेकिन ये दास आप सबका भाई है, मैं अपने पैसे का सदुपयोग करता हूँ। सदुपयोग क्या, मेरी कामना क्या है कि गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए, ये है। राधे 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 गुरु जी, खुश रहिए।